सो ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो ये है हमारा नया सेटअप, नया ऑफिस। और अभी मैं आज आप लोगों को अपने नए सेटअप के बारे में बताऊंगा, नए ऑफिस का टूर दूंगा, इसके साथ साथ क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सेटअप टूर में सबसे पहले दिखाता हूँ मेन जो हमारा हथियार है वो है ये कैमरा जिस पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, कैनन 200D जिस पे अभी 50mm का लेंस लगा हुआ है। ये है हमारे ऑफिस की पार्किंग और अंदर आइए मैं आप लोगों को ऑफिस दिखाता हूँ। वो वाला सॉन्ग चलना चाहिए था, सास भी कभी बहू थी वाला है ना, वैसे टाइप का आ गया। सबसे पहले स्टूडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये है हमारा खूबसूरत सा स्टूडियो, आज ही सेटअप किया हुआ है। सो ये है रोशनी के बाद हमारे ऑफिस का नज़ारा। ये है एक टेबल मेरी, ये एक और टेबल है जहाँ पे विवेक भाई बैठ के काम करेंगे जो अभी कैमरे के पीछे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे बैठ के एडिट करना है और कुछ वीडियो वगैरह शूट करना है तो यहीं पे बैठ के ही मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। उसके अलावा एक इधर इधर दिखाइए विवेक, लाइट्स दिखाइए हमारी, ये एक लाइट ये एक लाइट वो और एक लाइट इधर भी है और साथ में यहाँ पे और दो लाइट है वो भी दिखाते हैं। रोशनी ही रोशनी, जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है, अब रोशनी की कमी नहीं है। ये मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। जब मैं चैनल चालू किया था तो मतलब मेरे पास लाइट वाइट का भी व्यवस्था नहीं था, आप लोगों को तो पता है, ट्राईपॉड भी नहीं था, तो सारा कुछ जुगाड़ में चालू हुआ है हमारे चैनल पे। मेरे को कुछ भी शूट करना रहता था तो मेरी मजबूरी थी कि मैं सिर्फ दिन में कर सकता था क्योंकि रात को नहीं कर सकते, सूरज देवता चले जाते हैं, उसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी मेरे पास। और ऑफिस 9 से शाम 5 बजे तक ऑफिस में, तो सुबह 1-2 घंटे का समय मिलता था, शाम को 1-2 घंटे का समय मिलता था वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास लाइट है, रात के 2 बजे भी शूट कर सकते हैं, 3 बजे भी शूट कर सकते हैं। तो ये अपना स्टूडियो भी यही है, अपना वर्किंग स्पेस भी यही है। वैसे स्पेस की कमी नहीं है हमारे पास में, बाकी क्या स्पेस है वो दिखाता हूँ और उसके बाद ये भी बताऊँगा कि इस सारे स्पेस का क्या प्लानिंग है, हमको इसको कैसे यूज़ करना है, आगे फ्यूचर में क्या क्या करना है इस स्पेस में वो भी बताता हूँ। पहले ये इस केबिन के बाहर में ये पूरा स्पेस अपना है, ये हॉल है, ये एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह के लिए स्टैंड पड़ी हुई है और हम लोग का प्लानिंग है कि फ्यूचर में इसको एक अच्छे से सेट टाइप का डेवलप करेंगे। और इतना कुछ डेवलप करके क्या करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग है, हम लोग इंटरव्यू शूट कर सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं। ये एक और रूम है, यहाँ पर जैसे काम करते करते थक जाएंगे तो यहाँ पे बेड लगा के सो भी सकते हैं। इसके अलावा इस रूम का और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, वो फ्यूचर में पता चलेगा क्या यूज़ करना है। इसके अलावा इस तरफ बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ऑफिस का, ये है हमारा वॉशरूम, ये हमारा वॉशरूम है खूबसूरत सा मतलब काम करते करते थक गए और चेहरे में पसीना आ गया तो यहाँ पे आकर सीधा नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद हीरो बन के स्मार्ट बन के निकलेंगे ऐसे टे करके। और क्या बताऊँ, बस बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आप लोगों के साथ में ये शेयर करके। अब कैमरे के पीछे जो विवेक भाई थे, अब आप सामने आ जाइए, आइए पधारिए पधारिए। सो ये हैं विवेक भाई, बहुत बार मेरे व्लॉग्स में आप मिल चुके हो, अभी हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, टीम CMJ का हिस्सा बन चुके हैं विवेक भाई। एक और भाई हैं हमारे प्रिंस भाई, जो अभी अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर गए हुए हैं तो आज वो ऑफिस में नहीं है, उनसे भी मिलाऊंगा मैं आपको। प्रिंस जल्दी आ भाई, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी तैयारियां चल रही है और कहते हैं कि अकेले इंसान ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो बड़ा करने के लिए हेल्प चाहिए, टीम चाहिए। तो अभी हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, विवेक भाई हमारी टीम CMJ का हिस्सा बन चुके हैं। जो आप सिनेमेटोग्राफी देखने वाले हो, जो एडिटिंग देखने वाले हो, उसमें विवेक भाई का हाथ होने वाला है। तो एडिटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो उसके तारीफ के हकदार होंगे विवेक भाई। और फोटोग्राफी, इंस्टाग्राम ये वो जो फोटोग्राफी होगी, तो फोटोग्राफी विवेक भाई के साथ साथ में प्रिंस भाई भी देखेंगे। और इसके अलावा चैनल पे काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ सोचा हुआ है जो करना है अभी,
अच्छे से फुल थ्रॉटल में आना है अभी हम लोग को। फ्यूचर में बहुत सारे नए नए व्लॉग्स, नए तरीके के व्लॉग, नए नए कंटेंट के ऊपर में, नए तरीके के वीडियोस के ऊपर में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आप लोग बताइएगा सभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको वो वीडियो का आइडिया कैसा लगा। नए नए फॉर्मेट पे हम लोग काम करने वाले हैं, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ। इसके अलावा अभी हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ साथ टिकटॉक में भी एक्टिवेट होने वाले हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे मैं भी आपके पीछे पीछे आऊँगा। इसके अलावा अभी विवेक के चैनल पे बहुत कुछ नया प्लानिंग चल रहा है। इनके चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट करिए। विवेक भाई के भी चैनल की जिम्मेदारी अब आपके भाई चिंतामणि ने उठाई है। इनके चैनल को भी ग्रो करना है आप लोगों के सपोर्ट से। प्यार दिखाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक क्लिक करिए। बस कुछ उंगलियों का खेल है आपके, बस बटन दबाने हैं और फिर बस प्यार मिल जाएगा हम लोग को, आपका प्यार हमारे तक पहुंच जाएगा। ये जो ऑफिस स्पेस है, फ्यूचर का जो मेरा विजन है, मैं वो आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं, लेकिन जो सपने देखते हैं ना तभी सपने पूरे होते हैं। मैं अभी जो ज़िंदगी जी रहा हूँ विवेक, वो मेरे लिए एक सपने के ही जैसा है। तो मैंने जितने सपने देखे हैं वो सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, और सपने जैसे जैसे पूरे होते जाते हैं नए सपने बनते भी जाते हैं। तो अभी नया सपना ये है कि अभी ये जो आपने ऑफिस स्पेस देखा, इसी स्पेस पे हमारे YouTube का काम, और YouTube के अलावा जो मैं ई कॉमर्स का काम चालू कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अब आपके भाई चिंतामणि जयपुरी का GST नंबर भी आ गया है, हम लोग का कंपनी रजिस्टर्ड हो गया है जिस पे अभी हम लोग काम चालू कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स का बिजनेस भी इसी स्पेस से ऑपरेट होने वाला है, रन होने वाला है। इसके अलावा जो कुछ भी अभी स्टार्टअप में करूँगा, जो भी बिजनेस आइडियाज़ में चालू करूँगा, सभी इसी स्पेस से करना है। मेरे को अभी नहीं पता कि मैं क्या कर पाऊँगा, कितना बड़ा कर पाऊँगा, और जो मेरी प्लानिंग है, मेरा ये विजन है कि इस स्पेस में आने वाले समय में हमारी टीम CMJ और बड़ी हो, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 200 लोग हों, मैं इतने लोगों को काम दे सकूँ, इंटर्नशिप दे सकूँ या फिर जॉब दे सकूँ, मेरा ये विज़न है। ये मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा। कहते हैं कि एक्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे हम अच्छा काम करें उसका रिजल्ट मिलता है, बुरा काम करें तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। तो हम अच्छा अच्छा काम करेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे। और फ्यूचर में जो भी मेरे बिजनेस आइडियाज़ हैं, मैं एक में फेल होऊंगा, दो में, पाँच में, दस में फेल होऊंगा, लेकिन एक ना एक आइडिया होगा जो काम करेगा और जिससे रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़िंदगी बदलेगी। ऑलरेडी ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है आप लोगों की वजह से, आगे और बदलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, और उन सपनों को हासिल करने के लिए काम करिए, बड़ा बड़ा काम करिए, हार्डवर्क करने से मत डरिए। और अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो हार्डवर्क और आपका आइडिया जब मिलेगा तो ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा और आपके सपने पूरे करेगा। तो मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के भी सारे सपने पूरे हों। इसी नोट पे आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन सिर्फ एक वीडियो में सारी बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऑफिस हमारा अच्छा लगा तो।